ठीक है, अब हम लोग करेंगे जनवरी 2020 के करंट अफेयर्स। जनवरी 2020 का करंट अफेयर्स में कुछ क्वेश्चंस है, करीब 100 के अराउंड इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। पहला क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट चंद्रयान 2 मिशन। चंद्रयान 2 मिशन वॉज इंडियाज फर्स्ट अटेम्प्ट टू लैंड ऑन लूनर सर्फेस। बिल्कुल सही है, चंद्रयान 2 से पहले तो ऐसा कुछ सुना नहीं कि इंडिया कुछ लून पे मतलब मून मून पे जाना चाहता है। दूसरा, इसरो हैड प्लान्ड द लैंडिंग ऑन द साउथ पोल ऑफ लूनर सरफेस। ये भी सही है, और ये मिशन फेल हो गया था, इसके बारे में तो कुछ दिया नहीं है, तो बोथ 1 एंड 2 सी होना चाहिए। चेक करते चलते हैं साथ में, क्योंकि आई एम नॉट श्योर। तो पहले का सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मिलिट्री अफेयर्स डिपार्टमेंट। मोदी गवर्नमेंट ने सकेतकर कमेटी की रिकमेंडेशन को मानते हुए कई सारे जो है नए मिलिट्री में किए रिफॉर्म्स। उनमें एक बहुत बड़ा रिफॉर्म है कि जो डिफेंस मिनिस्ट्री, जो कि एक आईएएस के अंडर होती थी, उसके उसको रिपोर्ट करते थे आर्मी के जनरल्स, उसमें एक नया उन्होंने डिपार्टमेंट बना दिया है जो आईएएस ऑफिसर नहीं, मिलिट्री वाले कमांड करेंगे। वो है डिपार्टमेंट मिलिट्री अफेयर्स डिपार्टमेंट। और जो इनका जो जो मिलिट्री अफेयर्स डिपार्टमेंट है, वो तीनों जो आर्मी नेवी एयरफोर्स को जो चीफ होगा, उन तीनों जो रिपोर्ट करेंगे, जिसको वो सुप्रीम कमांडर टाइप, सुप्रीम कमांडर तो नहीं बोलेंगे, सुप्रीम कमांडर तो प्रेसिडेंट ही है, बट जो 3 स्टार जनरल बनाया जाएगा, इनका बनाया जा चुका है इनफैक्ट। तो डिपार्टमेंट विल बी हेडेड बाई डिफेंस सेक्रेटरी, नहीं है ऐसा नहीं है, मिलिट्री अफेयर्स डिपार्टमेंट का जो सेक्रेटरी है वो 3 स्टार जनरल, जो इन तीनों का जो ज्वाइंट चीफ बनाया गया है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो बनाया गया है, कंबाइंड चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। दूसरा, इट विल फैसिलिटेट, वो है विपिन रावत है आई थिंक। हाँ, विपिन रावत जो है वो कंबाइंड चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, 3 स्टार जनरल, वो मिलिट्री अफेयर्स डिपार्टमेंट देखेंगे, डिफेंस सेक्रेटरी नहीं है, पहला तो गलत है। इट विल फैसिलिटेट रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द मिलिट्री कमांड फॉर ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये सब तो खैर सही है, ज्वाइंट थिएटर कमांड आर्मी नेवी एयरफोर्स में बहुत चलता है कि नेवी ने कुछ किया तो एयरफोर्स उधर नहीं जा रही, अभी तीनों का कंबाइंड जो है एक कमांड होने के लिए अच्छा रहेगा। तो पहला गलत है, दूसरा सही है, टू ऑनली होना चाहिए, बी 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 बी, दूसरे का बी, आई एम अगेन करेक्ट। तीसरा, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर एक्सरसाइज विल बी कैरीड आउट बाई विच बॉडी मिनिस्ट्री। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर कौन सी बॉडी के अंडर हो रहा है? एनपीआर जो है वो आई थिंक जैसे सेंसस होते हैं बिल्कुल वैसे ही टाइप है, लेकिन इसमें फॉर्म में कुछ पॉइंट्स हैं एनपीआर के, और वो एनपीआर पहले भी हुआ है, इनफैक्ट 2006-07 ऐसा कुछ हुआ है, दोबारा हो रहा है। इस बार बस एडिशनल कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे पेरेंट्स कहाँ के हैं, नाम क्या, ये सब वगैरह पूछ रहे हैं। ये होम मिनिस्ट्री के अंडर होगा, एनएसएसओ, पीएमओ ऑब्वियसली नहीं, होम मिनिस्ट्री, ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, होम मिनिस्ट्री पहला होना चाहिए, थर्ड का ए, बिल्कुल करेक्ट, तीनों सही है अभी तक मेरे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट 5G। तो देखो, 1G तो था, वो था पुरानी टेक्नोलॉजी जो डिजिटल ही नहीं थी, एनालॉग, फर्स्ट जनरेशन, जैसे बीएसएनएल के जो फोन आते थे वो एनालॉग थे पहले, लैंडलाइन वाले। सेकेंड जनरेशन था डिजिटल, जैसे पेजर वेजर आए, 2G, और सीडीएमए फोन आए। थर्ड जनरेशन था सीडीएमए में, अच्छा इंटरनेट आने लगा, इंटरनेट का पैक, डेटा पैक वगैरह। फोर्थ जनरेशन है जिसमें जीएसएम मोबाइल हो गया, सीडीएमए से जीएसएम मोबाइल आने लगा, और 4G, और बढ़िया इंटरनेट सबके घरों में चलने लगा, जियो वाला 4G। 5G जो होगा, 4G LTE लाइट कुछ वर्जन था LTE, ऑन डिलीवरिंग ऑन डेटा मच फास्टर। 5G विल सपोर्ट न्यू सर्विसेज सच एज मिशन क्रिटिकल कम्युनिकेशन विद इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ये तो सही लग रहा है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब ये है कि हम इंटरनेट, अब 5G जब आ जाएगा तो हम नए लेवल पे ले जाएंगे नेटवर्किंग को। सिर्फ इंटरनेट, जैसे 4G वो इंटरनेट ऑफ डेटा था, लिखा सही है, 4G जो है वो डेटा पे था, 4G सिर्फ इंटरनेट ऑफ डेटा था, 5G इंटरनेट ऑफ थिंग्स होगा, मतलब डेटा जैसे पूरी दुनिया भर का कनेक्टेड है, वैसे अगर लोगों की कारें भी आपस में कनेक्ट हो जाएं,
लोगों की टीवीज आपस में कनेक्ट हो जाएं, बहुत सारी चीजें कनेक्ट की जा सकती हैं, घर कनेक्ट हो जाएं, ऑफिसेस कनेक्ट हो जाएं, तो वो 5G। 5G हैज लोअर लेटेंसी देन 4G, इट हैज द पोटेंशियल टू डिलीवर मोर इंस्टेंटेनियस रियल टाइम एक्सेस, 10 टाइम्स डिक्रीज इन एंड टू एंड लेटेंसी डाउन। अभी ये लेटेंसी वगैरह तो नहीं बता सकता, बट सही लग रहा है स्टेटमेंट, दोनों सही लग रहे हैं, सी होना चाहिए, 4 का C। हाँ सही है। अभी लेटेंसी यहाँ पे क्या होता है, लेटेंसी का मतलब होगा लेटेंट, मतलब स्लोनेस कुछ होगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट गगनयान मिशन, चंद्रयान गगनयान, चंद्रयान था चंद्रमा पे जाने के लिए, गगन है स्पेस में, मैंड मिशन है इंडिया का, जैसे रशिया का गया था वो यूरी गगारिन, और अमेरिका का गया था वो कौन था, वो राकेश शर्मा, और एक और बंदा गया था ना, मुझे याद नहीं आ रहा नाम। तो गगनयान इंडिया का मैन मिशन है, एस्ट्रोनॉट्स विल बी सेंड टू स्पेस ऑन बोर्ड गगनयान, पीएसएलवी। पीएसएलवी से जाएगा ये नहीं पता, इतना तो है कि एस्ट्रोनॉट्स तो भेजे जाएंगे, वो पीएसएलवी से भेजेंगे कि जीएसएलवी से भेजेंगे, पीएसएलवी से तो नहीं भेजते हैं वैसे, जीएसएलवी से भेजते हैं तो पहला मुझे गड़बड़ लग रहा है। दूसरा, इंडिया इज कॉपरेटिंग विद रशिया एंड फ्रांस, इंडिया को टेक्नोलॉजी पे, रशिया जो है यूरी गगारिन को 60-70 के टाइम में भेज चुका है, और ये चल रहा है 62 से, अगर देखो तो 72, 82, 92, 2002, 2012, 2022, मतलब 50-60 साल हो गए रशिया के पास ये टेक्नोलॉजी है मैन मिशन भेजने की। तो अगर रशिया दे रहा होगा इंडिया को, तो इंडिया उसकी कॉपी मार के कुछ कर लेगा और फिर नाम लगा देगा इसरो ने किया। जैसे इसरो ने खोला तो है सेंटर बेंगलोर, एंगलोर के पास। सेकंड सही लग रहा है, फर्स्ट गड़बड़ लग रहा है, सेकंड सही आने वाला बी, पांचवे का देखते हैं, पांचवे का बी आया, मगे इनकरेक्ट है, अभी तक मेरा बिल्कुल स्प्री चल रहा है, करेक्ट स्प्री। पहला इसलिए गड़बड़ है क्योंकि चंद्रयान गगनयान पीएसएलवी से नहीं जा रहा है, जीएसएलवी से जा रहा है, पीएसएलवी तो बहुत छोटे लेवल का होता है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नेशनल इन्वेस्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग जोन, एनआईएमजेड। एनआईएमजेड जो है वो गवर्नमेंट की पॉलिसी थी, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी, एम टू इंक्रीज द शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग टू 25%। सही बात है, मैन्युफैक्चरिंग का शेयर मुझे नहीं लग रहा है इंडिया में 10-12% से ज़्यादा होगा भी, इसको बढ़ाना था, 25% करना था, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जॉब काफ़ी प्रोवाइड करते हैं, तो 10 करोड़ एम्प्लॉयमेंट देना था। इट विल बी डिक्लेयर्ड बाई द स्टेट गवर्नमेंट एज ए इंडस्ट्रियल टाउनशिप अंडर 243Q ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इंडस्ट्रियल टाउनशिप जैसे जो जैसे आप देखो जमशेदपुर इंडस्ट्रियल टाउनशिप है, टाटा नगर इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स हैं, ऐसे इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स हैं, दहेज, मुदड़ा, नोएडा भी एक तरीके से इंडस्ट्रियल टाउनशिप बनाई गई थी। तो ठीक है, मतलब दोनों ही सही लग रहे हैं मुझे, तो सी होना चाहिए इसका, छठे का सी सही है, दोनों सही है, 25%, और एनआईएमजेड जो है नेशनल इन्वेस्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग जोन जहाँ भी बनेंगे वहाँ पे 243Q के थ्रू इंडस्ट्रियल टाउनशिप बन जाएगी। ये मेरे हिसाब से न्यूज में इसलिए है क्योंकि तेलंगाना गवर्नमेंट हैदराबाद के पास एक एनआईएमजेड बना रही है, फार्मा सिटी बना रही है, मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व, ये तो तमिलनाडु केरला टाइप लग रहा है यार, मुद्दुमलाई है किधर, तमिलनाडु की केरला, अन्नामलाई, मुद्दुमलाई नाम तो तमिल, ये नहीं लग रहा है, मुद्दुमलाई मेरे हिसाब से तमिलनाडु होना चाहिए, सातवें का डी, सातवें का डी सही है, मुद्दुमलाई तमिलनाडु में, मलाई जब लग जाता है ना, मलाई तमिल ही होता है, सातवें का डी, मलाई हिल्स को बोलते हैं साथ तमिल में। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट आसियान, आसियान में 10 मेंबर हैं, बिल्कुल सही है, 10 मेंबर्स, साउथ ईस्ट एशियन ग्रुपिंग नॉट ओनली इज ऑब्जेक्टिव इन इम्प्रूविंग इकोनॉमिक कॉपरेशन बट सोशल प्रोग्रेस, कल्चरल एजुकेशन, ये सब भी है इनका एम। इंडिया इज ए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद आसियान, आसियान इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है कि नहीं पता नहीं, वो पहला तो सही है, आई एम नॉट श्योर, 8 का C, बोथ 1 एंड 2, तो ये मैं अपना गड़बड़ मानूंगा क्योंकि मुझे ये नहीं पता था कि आसियान के साथ अपना FTA है कि नहीं, इंडिया और आसियान के बीच में FTA है, तो 8 का C दोनों सही है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट DRDO यंग साइंस डिफेंस लैब, DRDO गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यंग डिफेंस लैब बनाई है बड़े बड़े शहरों में, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली में, जहाँ पे 35 साल से कम के लोग उनके हेड हैं, वहाँ पे डायरेक्टर्स हैं, तो ये सही है पहला स्टेटमेंट। दूसरा, वॉर टेक्नोलॉजी को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना है,
दोनों सही है, बोथ 1 एंड 2। मेरे हिसाब से 9th का होना चाहिए सी। चलो यहाँ तक तो सही है, 9th सी। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फेयर एंड रेमुनरेटिव प्राइस, FRP। इंडिया में शुगर एक बहुत बड़ा इश्यू है। तो होता क्या है कि जब किसान शुगर केन पैदा करते हैं और उपजाते हैं, दे प्रोड्यूस शुगर केन्स, तो वो शुगर केन शुगर मिल्स, शुगर केन जब वो शुगर मिल्स ले जाते हैं, तो शुगर केन किस रेट पे बिकेगा वो रेट शुगर मिल डिसाइड नहीं करती मार्केट के हिसाब से, वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है। वो शुगर केन डिसाइड होता है, गवर्नमेंट की एक रेट होती है जिसको बोलते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस या FRP। आई थिंक वो डिसाइड होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, MSP। अब क्या है कि उसके सिवाय MSP की मान लो वैल्यू कम है, तो कई स्टेट गवर्नमेंट गन्ना के किसानों को खुश करने के लिए एक और प्राइस निकाल देती है, फेयर एंड रेमुनरेटिव प्राइस। तो एक यूनियन गवर्नमेंट का प्राइस है, एक स्टेट गवर्नमेंट का प्राइस है। और जब गन्ना प्रोसेस हो जाता है शुगर केन, उससे जो शुगर बनती है या एथेनॉल बनती है या उससे जो मोलासेस बनते हैं, उनके रेट फिर वो फ्री मार्केट मैकेनिज्म डिसाइड करती है। मतलब ऐसा हो सकता है कि एक शुगर मिल हो, वो 10 रुपए में शुगर केन ले क्योंकि गवर्नमेंट ने बोल रखा है, लेकिन मार्केट में जब वो चीनी बन के जाए तो 9 रुपए की मिले, तो उसमें लॉस हो, और फिर वो गवर्नमेंट उसको कॉम्पनसेट करे। वो है कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म, बट इतना तो पक्का है FRP इज फिक्स बाई यूनियन गवर्नमेंट ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ कमेटी ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस, CCP। दिस विल बी यूनिफॉर्मली एप्लीकेबल ओनली इन शुगर प्रोड्यूसिंग स्टेट विच आर पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश एंड तमिलनाडु। दूसरे में ये थोड़ा सा मुझे आई एम नॉट श्योर, देखना पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन जो मैं गड़बड़ हूँ, 10th ए ए यानी कि वन ओनली, पहला तो सही है, यानी कि मैं गड़बड़ बोल रहा था। मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो स्टेट गवर्नमेंट, और FRP जो है वो यूनियन गवर्नमेंट देती है। तो यानी कि मैं यहाँ पे गड़बड़ था, मैं ये सोचा था कि यूनियन गवर्नमेंट MSP देती है ना, FRP जो है वो यूनियन गवर्नमेंट डिसाइड करती है फेयर एंड इनोवेटिव प्राइस, और वो CACP के बेसिस पे देती है। तो दूसरा इसलिए गड़बड़ है क्योंकि ये एप्लीकेबल मेरे हिसाब से ऑल ओवर इंडिया होता होगा, इसमें कोई स्टेट का कुछ नहीं होता होगा, इसलिए दूसरा गड़बड़ है। 11th क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, NSAP इज ए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। देखो एक ऐसा होता है सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती है CSS, एक होती है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम और एक होती है स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का मतलब ये होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट वो स्कीम फॉर्मुलेट करेगा, लेकिन वो स्कीम रन सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं करेगा, स्टेट गवर्नमेंट करेगा। थोड़ा सा मैकेनिज्म होगा उसमें पैसा बंटने वगैरह की, कैसे कितना उसकी फंडिंग कहाँ से आएगी, दोनों देते हैं। तो नेशनल सोशल असिस्टेंसशिप प्रोग्राम इस सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम एल्डरली विडोज डिसेबिलिटी के लिए सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड द फुलफिलमेंट ऑफ DPSP आर्टिकल 41। आर्टिकल 41 मुझे यार याद नहीं है, आर्टिकल 41, सेम ऑफ मी सेम ऑन मी आर्टिकल 41। टेलीफोन रिंग 41 41, राइट टू वर्क एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस, राइट टू वर्क एजुकेशन एंड असिस्टेंस पब्लिक। ये तो सही लग रहा है, सेकंड पहला भी सही लग रहा है, दोनों सही लग रहे हैं, सी होना चाहिए। ये है क्वेश्चन नंबर 11, सी होना चाहिए, 11 का सी, हाँ सही है। NSAP वही है, राइट टू वर्क असिस्टेंस एल्डरली है जो, अब वो एल्डरली जो बूढ़े हो गए वो कहाँ नौकरी करेंगे, तो क्या गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है उनको हेल्प करें? बिल्कुल बनती है, आर्टिकल 41 के हिसाब से बनती है। विडोज है मेजारी या डिसेबल पर्सन है, तो उनको राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन एंड असिस्टेंस है उनको, आर्टिकल 41 से उनको हेल्प मिलेगी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट लॉर्ड कर्जन, कर्जन कर्जन के बारे में अगर सबसे बोलते ही सबसे पहली चीज जो मेरे दिमाग में आती है वो आती है बंग भंग, बंग भंग मतलब पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905।
करजन के टाइम में हुआ था, करजन के दिमाग का आइडिया था। ही बिकम द यंगेस्ट वायसराय ऑफ इंडिया इन 1899। हाँ 1899, 1905, 5-6 साल तो रहा हो। अपॉन 1905 तक था। इट वॉज ड्यूरिंग हिज टेन्योर एज वायसराय दैट बंगाल वॉज पार्टीशन विच वॉज फाइनली रिवर्स। जब दिल्ली दरबार हुआ था 1911 का लॉर्ड हार्डिंगस का, तो ये जो है बंगाल का पार्टीशन एनल कर दिया गया था। बट बंगाल को बिहार और उड़ीसा निकाल दिया गया था और वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश ईस्ट बंगाल को जोड़ दिया गया था। मतलब बंगाली नेशनलिज्म को अपीज करने के लिए किया गया था। तो दोनों सही लग रहे हैं, यानी कि 12th का सी होना चाहिए। 12th का सी ही है, सही बोला था मैं। कर्जन बंग बंग। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नॉर्थ ईस्ट मानसून। इंडिया में जो भी रेनफॉल होता है उसमें तीन चीजों का रोल होता है। एक साउथ ईस्ट मानसून का, जो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, जून जुलाई अगस्त सितंबर। एक नॉर्थ ईस्ट मानसून या रिट्रीटिंग मानसून है, जैसे ही तुम्हारा जून जुलाई अगस्त सितंबर जाता है तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी। और एक होता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, पश्चिमी प्रक्षोभ इसको बोलते हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस ईरान वीरान से, कैस्पियन सी से, अराल सी से आके। तो नॉर्थ ईस्ट मानसून जो है वो चेरापूंजी है। नॉर्मली क्या होता है कि बे ऑफ बंगाल, या अगर आप चेरापूंजी को देख लें या फिर साइबेरिया को देख लें और इधर देख लें ऑस्ट्रेलिया के पास ओशन, तो साउथ ईस्ट मानसून आते हैं जब हाई बनता है, हाई प्रेशर जोन बनता है साउथ ईस्ट मानसून के लिए। नीचे ऑस्ट्रेलिया और लो प्रेशर बनता है साइबेरिया साउथ ईस्ट मानसून। नॉर्थ ईस्ट मानसून जैसे चेरापूंजी हाई बन जाए और बे ऑफ बंगाल लो बन जाए तो इधर की तरफ। इट डजंट हैव एनीथिंग टू डू विद इंडियाज नॉर्थ ईस्ट इवन दो ए पार्ट ऑफ द सिस्टम डज ओरिजिनेट फ्रॉम द एरिया अबाउट इट। Rather, it derives the name from the direction in which travels. ये बिल्कुल सही बात है कि नॉर्थ ईस्ट मानसून जो है वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में नहीं, नॉर्थ ईस्ट मानसून जो है वो जैसे साउथ साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट जो मानसून है वो तो पूरे इंडिया में कराता है बारिश ऑलमोस्ट। नॉर्थ ईस्ट मानसून जो है वो बारिश कराता है तमिलनाडु, मतलब कोरोमंडल कोस्ट पे। मतलब कोरोमंडल कोस्ट मतलब समझ लो उड़ीसा और तमिलनाडु, थोड़ा बहुत केरला वेला में, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश बोलना चाहिए, केला तो नहीं बोलना चाहिए, केला को तो साउथ वेस्ट मानसून से ही मिलता है। तो ये पहला स्टेटमेंट तो सही है। नॉर्थ ईस्ट मानसून ब्रिंग्स रेन टू जस्ट 5 ऑफ द 36 मीटरोलॉजिकल डिवीजन इन द कंट्री। ये भी बात सही है, कोरोमंडल कोस्ट पे है खाली, तो दोनों सही है। सी होना चाहिए 13वें का सी, बिल्कुल सही जवाब, मुझे अच्छे से पता ही है। सत्य शोधक समाज वॉज स्टार्टेड बाई बाल गंगाधर तिलक। मराठी केसरी, तिलक के नाम से मुझे क्या क्या आता है, मराठी मराठा केसरी, तिलक सूरत स्प्लिट, तिलक बाल गंगाधर तिलक, होम रूल लीग, तिलक लाल बाल पाल, तिलक कांग्रेस के स्वराजिस्ट वर्सेस नो चेंजर्स, एक्सट्रीमिस्ट मॉडरेट, मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट डिवाइड, तिलक सूरत, तिलक महाराष्ट्र, तिलक गणेश चतुर्थी, तिलक 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 राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय थियोसोफिकल सोसाइटी, ब्रह्म समाज, राजा राम मोहन राय विधवा विवाह, विडो रिमैरिज, सती, बंगाल जंग, बंगाल मूवमेंट, राजा राम मोहन रॉय राजा की उपाधि अंग्रेजों ने दी थी, अंग्रेजों के चमचे थे, हिंदू रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट, दयानंद सरस्वती, आर्य समाज, ट्रेडिशनलिस्ट मूवमेंट, राजा राम मोहन राय के एंटी, दयानंद सरस्वती ट्रेडिशनलिस्ट, दयानंद सरस्वती ट्रेडिशनलिस्ट,
रिवाइवलिस्ट, आर्य समाज, सत्यार्थ प्रकाश, सावित्रीबाई फुले एंड ज्योतिबा फुले। भैया ये तो मायावती के जून में पहुंच गए। सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले, महाराष्ट्र दलित मूवमेंट, अनटचेबिलिटी, ज्योतिबा फुले, सोशल रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट, छत्तीसगढ़ समाज, आई थिंक नहीं गया था। सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले, छत्तीसगढ़ समाज। भाई 14वें का आई थिंक डी होना चाहिए, 14वें का डी। हाँ सही है। अगला आते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट जोनल काउंसिल्स। यार ये तो मुझे पता है कि जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था 1956 में नेहरू जी के टाइम पे, फिर से स्टेट बनाए गए थे फजल अली कमीशन के बोलने पे, लिंग्विस्टिक बेसिस पे। तो स्टेट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन के लिए जोनल काउंसिल बनाई गई थी, 5 जोनल काउंसिल बनाई गई थी, और एक छठी नॉर्थ ईस्ट काउंसिल एक्ट 1971 से। 5 जो जोनल काउंसिल बनी थी वो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, सेंट्रल, और एक छठी बनी थी नॉर्थ ईस्ट, तो 6 हो गए। स्टेटरी बॉडी है क्योंकि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से बनी है, और प्राइम मिनिस्टर कॉमन चेयरमैन है सारी जोनल काउंसिल का। ये मुझे थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है, मुझे लग रहा है होम मिनिस्टर चेयरमैन होता है सारी जोनल काउंसिल का। प्राइम मिनिस्टर के पास इतना कहाँ टाइम है कि वो जोनल काउंसिल में बैठे। इंटर स्टेट काउंसिल समझ में आता है, प्राइम मिनिस्टर कॉमन चेयरमैन जोनल काउंसिल ये नहीं है, तो वन ओनली होना चाहिए, 15वें का ए होना चाहिए। देखते हैं, 15वें का ए आ रहे, बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। जोनल काउंसिल का जो चेयरमैन होता है वो होम मिनिस्टर होता है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एनएचआरसी, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। एनएचआरसी, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन कॉन्स्टिट्यूशन में गलत बात, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं एक बार यूज नहीं किया गया है। और 338 तो वैसे भी नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब पे है, और नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल कास्ट है 338, नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब अलग है 338A, और एक शायद नेशनल कमीशन ऑन बैकवर्ड क्लासेस है, वो शायद 338B होगा। तो 338 में ह्यूमन राइट्स कमीशन तो नहीं है। इट इज इन ओन इंस्टीट्यूशनलाइज्ड, इट हैज इट्स ओन इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मैकेनिज्म फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ये भी गलत है। ह्यूमन एनएचआरसी के पास पावर जरूर है जज जैसी, बट इसकी कोई मैकेनिज्म नहीं है, डिपेंडेंट है बाकी लोगों पे इन्वेस्टिगेशन वगैरह के लिए। एंड पावर टू इन्फोर्स द डिसीजन, पावर टू इन्फोर्स द डिसीजन शायद हो, तो 16वें का आई थिंक दोनों गलत हैं, डी होना चाहिए, नाइदर वन नॉर टू। 16वें का डी, बिल्कुल सही बोल रहा था मैं, कॉन्स्टिट्यूशनल भी नहीं है एनएचआरसी, दूसरा इसके पास कोई मैकेनिज्म भी नहीं है जिसे इन्वेस्टिगेट वगैरह करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्मोक टावर्स। स्मोक टावर्स दुनिया भर में बड़े पॉपुलर थे, रशिया वशिया में, इंडिया में तो अब आए हैं। भाई ये वर्ड आया है स्मोक टावर का जब हमारे अपने दिल्ली के एमपी क्रिकेटर, क्या नाम है उनका, महोदय, अरे वो अपना दिल्ली का बैट्समैन क्रिकेटर एमपी बन गए हैं जो, याद ही नहीं आ रहा मुझे नाम, उसने जो है स्मोक टावर लगवाया दिल्ली में। एक टावर है, वो क्या करेगा, हेपा फिल्टर लगे हुए हैं, वो हवा खींचेगा, चक करेगा, हेपा फिल्टर से जाएगी, हेपा फिल्टर 0.2 माइक्रोन तक के उसमें छोटे छोटे छेद बने हुए, होल्स बने हुए हैं, सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर को ब्लॉक कर देगी। अब सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर वो जमा हो जाएंगे टावर में, उसकी क्लीनिंग हो जाएगी, फेंक दिए जाएंगे, उनकी डंपिंग वंपिंग हो जाएगी, एक जगह सांस में नहीं जाएंगे मतलब। तो दीज एयर फिल्टर सेल ड्रॉ इन एयर थ्रू द फैंस इंस्टॉल्ड, ये बिल्कुल सही है। दीज एयर फिल्टर जनरली यूज कार्बन नैनो फिल्टर एज मेजर कंपोनेंट, नैनो फाइबर, कार्बन नैनो फाइबर, ये तो पता है कि फिल्टर है वो कार्बन नैनो फाइबर है कि हेपा फिल्टर है, हेपा में भी हो सकता है कार्बन नैनो फाइबर यूज करता हूँ, आई एम नॉट श्योर। तो 17वें का सी, बोथ 1 एंड 2 सही है, कार्बन नैनो फाइबर है।
और ये फिल्टर यूज करते हैं, दोनों सही हैं। और मुझे नाम याद आ गया उनका, क्रिकेटर का, गौतम गंभीर। गौतम गंभीर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सारस एमके2। सारस एमके2 ये एक लाइट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है जो एचएएल बना रही है। ना 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 ना, एक एचएएल भी है बेंगलोर में, एक एनएएल भी है। एनएएल बना रही है सारस एमके2। सारस एक पंछी होता है, हल्का सा उड़ने वाला। सारस देखा जाए क्या, कैसा पंछी होता है सारस? सारस पंछी जी है, पंछी सारस। हल्का तो पता नहीं, लेकिन लंबा जरूर है सारस। तो इट इज ए लाइट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, एचएएल ही गलत है। इट इज आइडियल फॉर कम्यूटर कनेक्टिविटी। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है मतलब ये कोई, सारस जो है वो डिफेंस एयरक्राफ्ट नहीं है, कॉम्बैट एयरक्राफ्ट नहीं है। एयरक्राफ्ट दो टाइप के होते हैं, कॉम्बैट होते हैं और एक होते हैं ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। तो ये है ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, कंप्यूटर कनेक्टिविटी उड़ान स्कीम के लिए। अरे बहुत सारे इंडिया में एयरपोर्ट उड़ान स्कीम में ऐसे खोले गए हैं जहाँ पे रनवे तक नहीं है प्रॉपर, तो वहाँ पे कौन होगा? सारस जो है हल्का से एयरक्राफ्ट जो है चलेगा और ये लोगों को उड़ा के ले जाएगा। पहला सही नहीं है, दूसरा सही है, तो 18वें का होना चाहिए बी। 18वें का बी सही है। बेलम केव्स, यार ये तो मुझे बचपन से याद है। बेलम केव आंध्र प्रदेश में है और आंध्रा के जो सबसे ऊपर डिस्ट्रिक्ट है शायद वाइजैग, विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम विजयवाड़ा ऐसे कहीं पे है, बट है आंध्रा में, कोस्ट के पास है। बेलम केव्स आंध्रा में है, इसका तो मैं देखने की भी जरूरत नहीं है। 19th का सी। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट गगनयान मिशन। गगनयान चंद्रयान, चंद्रयान चंद्रमा जाना है, गगनयान एक ह्यूमन ह्यूमन को भेजना है। उससे पहले एक ह्यूमनाइट बनाइए ना, उसको भेजेंगे। क्या नाम है उसका? व्योम मित्र। तो गगनयान मिशन, इट इज इसरोज ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम। 3 इंडियन एस्ट्रोनॉट जाएंगे 2022 में। अच्छा, उसको सेलेक्ट कर लो, मैं चला जाऊँ और वो शाहरुख खान की मूवी की तरह 20 साल बाद लौट के आऊं। रशियन लॉन्च व्हीकल विल लिफ्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट्स टू डियर ऑर्बिट। रशियन लॉन्च व्हीकल विल लिफ्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट्स टू डियर ऑर्बिट। रशियन लॉन्च व्हीकल विल लिफ्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट्स टू डियर ऑर्बिट। ये बात तो सही है, रशियन लॉन्च व्हीकल विल लिफ्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट टू देयर ऑर्बिट। इंडिया को जाने के लिए रशिया की जरूरत तो पड़ेगी। दोनों सही लग रहे हैं, 20 का सी होना चाहिए। 20 का सी नहीं है, ए है, यानी कि वन ओनली, दूसरा गलत है। रशिया के लॉन्च व्हीकल नहीं है, इंडिया अपना खुद का लॉन्च व्हीकल बना रहा है भाई। रशिया से चुरा लेगा, तो रशिया दे देगा, बेच देगा इंडिया को टेक्नोलॉजी, नाम इंडिया अपना चिपका देगा बाहर, और इसरो इसरो सब लोग ताली अजली बजा देंगे 20th का ये। तो ये हो गया, 3 लोग जाएंगे 2022 तक। अच्छा, उजाला स्कीम, उजाला स्कीम, घर घर एलईडी, सोलर एलईडी से है। मेन ऑब्जेक्टिव टू प्रमोट इफिशियंट लाइटिंग, रिड्यूस इलेक्ट्रिसिटी बिल। इट इज बीइंग इंप्लीमेंटेड बाय नीति आयोग इन कोलेबोरेशन विद स्टेट गवर्नमेंट। अरे यार उजाला स्कीम है तो, और नीति आयोग क्यों चलाएगा? 21 का ए। नीति आयोग कोई स्कीम तो नहीं चलाता है, वन ओनली। नीति आयोग कोई स्कीम नहीं चलाता भाई, कहाँ गया? उजाला 21 का वन ए, वन ओनली। नीति आयोग कोई स्कीम इंप्लीमेंट नहीं करता, नीति आयोग खाली सजेस्ट करता है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, GIB। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इज द स्टेट बर्ड ऑफ स्टेट ऑफ राजस्थान। होना भी चाहिए भाई, राजस्थान में ही मिलती है और कहीं मिलती ही नहीं राजस्थान के सिवा। रजिस्टर्ड इट क्रिटिकली एंडेंजर्ड और नहीं IUCN रेड लिस्ट, मिलती है राजस्थान के सिवा। गुजरात गुजरात में, यूपीपी में थोड़ा बहुत मिल जाए, दिख जाए, मिलनी राजस्थान में, और राजस्थान के बाद थार रेगिस्तान के बाद पाकिस्तान में मिलती है, जहाँ ये लोग खा जाते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, मल्ले बना बना के ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पकड़ के खा जाते हैं।
लिस्टेड एट क्रिटिकली इंडेंजर्ड एंड आईयूसीएन रेड लिस्ट, ये सही है, दोनों सही है, बोथ वन एंड टू। 22 का सी, 22 का सी सही है। 23, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडियन डेटा रिले सैटेलाइट सिस्टम। भाई डेटा रिले सैटेलाइट सिस्टम, इंडिया के पास अब सैटेलाइट भेजने हैं स्पेस में तो कुछ काम बनाओ, तो डेटा रिले सैटेलाइट्स इसरो वुड हैव टू क्रिएट ए लार्ज नंबर ऑफ ग्राउंड स्टेट एवरीवन और हैव देम ग्लोबली। 2000 kg के सैटेलाइट से दे वुड लॉन्च ऑन जीएसएलवी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट ऑर्बिट्स में। 23 का, ये मुझे देखना पड़ेगा, 23 का सी, बोथ वन एंड टू। जो स्टेशनरी सैटेलाइट पे जा रहे हैं डेटा रिले सैटेलाइट्स। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट आईसीएआर, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च। इट इज एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये बात तो सही है। इट इज द एपेक्स बॉडी फॉर कोऑर्डिनेटिंग गाइडिंग एंड मैनेजिंग रिसर्च एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर फिशरी एंड एनिमल साइंसेस। सही लग रहे हैं, दोनों सही लग रहे हैं, तो होना चाहिए सी। 24 का सी सही है। बंदर अब्बास, बंदर अब्बास, बंदर नहीं है वहां पे, खाली नाम है बंदरगाह के लिए, बंदरगाह, बंदर अब्बास, बंदरगाह अब्बास, अब्बास का बंदरगाह, सी पोर्ट अब्बास। द ईरानियन पोर्ट सिटी इज लोकेटेड ऑन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। द स्ट्रेट कनेक्ट विच टू वाटर बॉडीज। देखो भैया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान के नीचे रेड सी, गल्फ ऑफ ओमान, अदन, पर्सियन गल्फ, स्टेट ऑफ हॉर्मुज। यार ये तो इज्जत का हो गया क्वेश्चन, क्योंकि ये जियोग्राफी मेरा ऑप्शनल है और मैं सही से बता नहीं पा रहा हूँ। रेड सी तो नहीं है, पर्सियन गल्फ, ओमान और अदन। देखो ओमान और अदन की अगर बात की जाए तो ईरान के जो जस्ट बगल में है वो ओमान नहीं है, ईरान के बगल में अदन है। पर्सियन गल्फ और गल्फ ऑफ अदन होना चाहिए, यानी कि 25 का ए होना चाहिए। अब देखते हैं, 25 का बी निकला, पर्सियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान। चलो इतना तो मैंने गैस कर लिया था कि रेड सी नहीं है, बट गल्फ ऑफ ओमान और अदन में गलती कर गया। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज देखना चाहिए मुझे, अब ये मैंने किया नहीं लगता। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ये है पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान। तुम क्या बोल रहे थे? पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ अदन। अदन कहाँ है इसमें? अदन यमन, अदन कहाँ है? अदन इसमें देखते हैं, स्टेट ऑफ हॉर्मुज। यार मुझे ये स्टोर तो करना ही पड़ेगा क्योंकि मैं गड़बड़ करता हूँ। मैंने वेस्ट एशिया किया भी है कि नहीं किया है, मुझे डाउट हो रहा है अपने आप पे। वेस्ट एशिया, इकोनॉमिक जियोग्राफी और वेस्ट एशिया, बेदुइन, डेजर्ट्स, क्लाइमेटोलॉजी, कुछ कुछ किया है, टूटा फूटा। फिर जियोग्राफी, यार ये क्या है? रेड सी और गल्फ ऑफ अदन के बीच में ये, ओके ये कौन सा था फिर? ये रेड सी नहीं है, रेड सी तो नीचे वाला है, ये ऊपर वाला है, पर्शियन गल्फ। नीचे वाला था रेड सी, ये पर्शियन गल्फ है। पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान के बीच में है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। दुबई वुबई इसी पे पड़ते हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ईरान के जो नीचे है पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान, उसमें है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। चलो ये मैं समझ गया, मेरी गड़बड़ क्या थी, मैंने पढ़ा नहीं है वैसे, इसे अभी पढ़ा लेता हूँ। तो ये हो गए 25th क्वेश्चन। 26, क्रायोस्फेयर ऑफन सीन इन द न्यूज रिलेटेड टू विच वर्ड। क्रायोस्फेयर बहुत ठंडी,
जगह को बोलते हैं इनर कोर पार्ट ऑफ आवर सिस्टम, रेडियो मटेरियल ना आउटर एटमोसफेयर। इनर कोर तो अर्थ की बहुत गर्म है, अर्थ का जो आउटर एटमोसफेयर होगा वो ठंडा होगा, फ्रोजन पार्ट ऑफ अर्थ सिस्टम। क्रायोस्फेयर देखो एटमोसफेयर का पार्ट तो नहीं है, लिथोस्फेयर का भी पार्ट नहीं है, तो क्रश मेंटल हट गया, एटमोसफेयर हट गया। अर्थ का जो पानी जो जमा हुआ है ये हो सकता है 26 का सी। 26 का सी में बिल्कुल सही था, यहाँ तक क्रायोस्फेयर तक। बस एक गड़बड़ हुई, थैंक यू, आगे बढ़ते हैं।